प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर संदेश में कहा है कि सरकार डिजिटल भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने ई गवर्नेंस को डिजिटल भारत के सपने का अनिवार्य हिस्सा बताते हुए कहा कि इसे सरल बनाने के साथ अनेक बाधाओं को दूर किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई गवर्नेंस पर नजर डालते समय हमें पहले मोबाइल के बारे में सोचना चाहिए और एम गवर्नेंस को महत्व देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई गवर्नेंस पर आयोजित 18वें राष्ट्रीय सम्मेलन को ट्विटर के जरिए संबोधित किया। ये पहला मौका है जब ऐसा संबोधन ट्विटर के माध्यम से किया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अब वर्ष 2011-12 की कीमतों को तुलना का आधार बनाया है और आधारश्वर बदलने से वित्त वर्ष 2013-14 की आर्थिक वृद्धि दर 6.9% पर आ गई है। इससे पहले चल रही आधार वर्ष 2004-05 की श्रृंखला के अनुसार 2013-14 की वृद्धि दर 4.7% थी। इसी प्रकार नए आधार वर्ष पर आधारित गणना में वित्त वर्ष 2012-13 की आर्थिक वृद्धि दर को संशोधित कर 5.1% कर दिया गया है, जो पुरानी श्रृंखला के आधार पर 4.5% बताई गई थी। विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में सीबीआई को आगे जांच का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि पहली नजर में पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया, पूर्व कोयला सचिव एमसी गुप्ता ने आपराधिक कृत्य किया। अदालत ने मामले में आगे की जांच के संबंध में सीबीआई को 13 फरवरी को प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया। शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव मुकुल रॉय से पूछताछ की। पूर्व रेल मंत्री ने कहा कि इस मामले में जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। उन्होंने सीबीआई को पूछताछ में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जांच के लिए आगे भी बुलाए जाने पर सीबीआई को वो पूरा सहयोग करेंगे। बिहार से संबंध रखने वाले लगभग 100 बाल श्रमिकों को पुलिस ने हैदराबाद शहर के साउथ जोन में एक साथ कई जगह छापे मारकर मुक्त कराया। बच्चों से जबरन चूड़ियों के कारखाने में मजदूरी करवाई जा रही थी। पुलिस ने बताया कि 10 टीमों ने छापों को अंजाम दिया। छापों में कुछ मालिकों को भी हिरासत में लिया गया है, जिन पर भारतीय दंड संहिता, श्रम कानून और किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। स्वच्छ भारत विषय पर स्मारक डाक टिकट जारी किए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जारी किए गए इस डाक टिकट के बारे में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार स्वच्छता को देश की संस्कृति का हिस्सा बनाना चाहती है। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में स्मार्ट सिटी के बारे में आयोजित परामर्श कार्यशाला में राज्यों से बेबाक रूप से पूछा कि क्या वे अपने अपने शहरों, नगरों को स्मार्ट बनाने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार की योजना देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की है। कार्यशाला में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें अपनी सोच को नया रूप देना होगा और इसके प्रबंधन की ओर नजर डालनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत राज्यों को केंद्रीय सहायता के लिए उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। पिछले वर्ष के दौरान गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों में केंद्रीय दल के दौरों के आधार पर प्रस्तावों की समिति ने जांच की। उच्च स्तरीय समिति ने जम्मू कश्मीर, केरल, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के संबंध में एनडीआरएफ से सहायता लेने का निर्णय किया। भारत में चीन के राजदूत ली च्वेंग ने आज नई दिल्ली में विदेश सचिव एस जयशंकर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के आगामी चीन दौरे को लेकर बातचीत हुई। डॉक्टर वी के सारस्वत ने नीति आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया। डॉक्टर सारस्वत इससे पहले रक्षा सचिव अनुसंधान और विकास तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान डीआरडीओ के महानिदेशक के पद पर कार्य कर चुके हैं। डॉक्टर सारस्वत को वर्ष 1998 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक सुभाष घी सिंह को लोगों ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो 1980 के दशक में गोरखालैंड आंदोलन को खड़े करने वालों में से प्रमुख थे। वो लिवर की बीमारी और कैंसर से पीड़ित थे। संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में पेश आने वाली बाधाओं पर पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आज से लखनऊ में शुरू हुआ। 3 दिवसीय सम्मेलन में संसदीय व्यवस्थाओं, सांसदों और विधायकों की भूमिका तथा सदन के नियमों पर विस्तार से चर्चा की जानी है। इस सम्मेलन में देश की लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारी और सचिव भाग ले रहे हैं। राज्य के विधान भवन में सचिवों का सम्मेलन आज से शुरू हुआ, जबकि पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कल से शुरू होगा।
शुक्रवार को शेयर बाजार में देखेगी गिरावट। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स करीब 499 अंक लुढ़क कर 29,183 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 143 अंक गिरकर 8,809 अंक पर पहुंच गया।